हेलो भाई, स्वागत है कोई नई वीडियो में। अगर आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में ब्लूटूथ हेडफोन को आप पेयर कर सकते हो, वही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा देखने के लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका ब्लूटूथ आपको ऐसे ऑफ देखने के लिए मिलेगा, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो भी आपके ब्लूटूथ आसपास में डिवाइस होंगे वो स्कैन करके यहाँ पे शो करेगा। तो जब तक आपका ब्लूटूथ हेडफोन का नेम शो नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे ऐसे ही वेट करना है। तो हम भी जब तक यहाँ पे ऐसे वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ब्लूटूथ हेडफोन का नेम आ चुका है, तो बस आपको सिंपली इस पर टैप करना है। ये पेयरिंग होने लग जाएगा। पेयरिंग होने के बाद परमिशन मांगेगा, आपको पेयर पर क्लिक कर देना है और आपके ब्लूटूथ हेडफोन ईजिली पेयर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने सैमसंग के फ़ोन पर ब्लूटूथ हेडफोन को पेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।